सत्तर से 40 लाख महिलाओं को हम लोग 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ स्मार्टफोन देने जा रहे हैं, ये मैं कहना चाहूंगा। 2003 के अंदर सोनिया गांधी आई थी नागौर के अंदर, नागौर में पानी अगर इंदिरा गांधी कैनाल का आया है या बिशनपुर का आया, तो हमारी गवर्नमेंट के वक्त में सर यू स्कीम बन के सेंक्शन हुई है वो। और तो इसरो के माध्यम से सेटेलाइट तक जाती है, आकाश तक जाते थे, ये मोबाइल फोन इंटरनेट की सेवाएं कंप्यूटर से नहीं आ गए हैं, ये राजीव गांधी की दिन देश को क्रांति हो गई आजकल। और हम तो महिलाओं को, मेरी बहन बेटे बैठी हुई है, ये मुखिया है आपके, ये पूरे मंगई रात कैंपों में जो कार्ड है, मुखिया है जनाधार कार्ड की तो महिला है, इनको बहुत जल्दी ही 40 लाख महिलाओं को बहुत जल्दी ही फेजे में देंगे हम लोग। तमाम 1,35,00,000 महिलाओं को पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को हम लोग 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ स्मार्टफोन देने जा रहे हैं, ये मैं कहना चाहूंगा आप। महिला सशक्तिकरण करना हमारा उद्देश्य है, इसलिए मैंने कहा आपको कि आप दिमाग में रखें, ये नागौर जिला है, रूपराम में नहीं रहे, परंतु मुझे याद है पहली बार मुख्यमंत्री बनाया आपने मुझे, 2003 के अंदर सोनिया गांधी आई थी नागौर के अंदर। अब ये वसुंधरा जी बिना मतलब श्रेय लेना चाहती है, इनको पूछो 3 के अंदर जब मैं मुख्यमंत्री बन गया था, ये तो बड़ी बातें बनी है, 3 में मैंने नागौर में शिलान्यास कराया था इंदिरा गांधी कैनाल में पानी लाने का। बाद में दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तो जायल के अंदर हमने इंदिरा गांधी कैनाल का पानी, बाकी एरिया जो छुटा हुआ था नागौर का, उसके लिए मैंने शिलान्यास करवाया था सोनिया गांधी जी से। बिशनपुर का पानी लाने के लिए कुचावन नावा मैंने शिलान्यास किया था खुद ने। अब आप बताइए, ये तो रिकॉर्ड के अंदर है, नागौर में पानी अगर इंदिरा गांधी कैनाल का आया है या बिशनपुर का आया, तो हमारी गवर्नमेंट के वक्त में सर यू स्कीम बन के सेंक्शन हुई है वो। आज फिर भी कई गाँव में तकलीफ रहती है, मुझे मालूम है पानी की जगह। ईआरसीपी की योजना वादा करके प्रधानमंत्री इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए 13 जिले का मामला उसके अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो आपने अगर मुझे अवसर दिया सीएम बनने का, तो आप दिमाग में रखो कि मैं ने जो कहा वो हमने करके दिखाया, और दिमाग में भी रखे आप कि जिस प्रकार से विश्वास किया आपने, मैं कई बार कह चुका हूँ कि मेरे जिंदगी का ध्येय बचपन से रहा है कि कैसे सेवा करें। आज महंगाई इतनी भयंकर थी, राहुल गांधी की यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, 4 मुद्दे थे, महंगाई का, बेरोजगारी का, नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, ये मुद्दा बड़ा देश के अंदर, कई जगह हिंसा हो रही है, तनाव हो रहा है, लड़ाई जा रहा है अपन के अंदर, और चौथा था गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं पड़े। उसी ढंग से मैंने बजट पेश किए राजस्थान के अंदर, महंगाई को लेकर देख रहे हो, महंगे शिविर लग रहे हैं, नौकरी में 1.5 लाख से अधिक नौकरी दे दी है मैंने, 1.25 लाख नौकरी लग रही है, इंटरव्यू चल रहे हैं, काम चल रहे हैं उनका। किसानों के लिए अलग से बजट पेश हमने किया है, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, वो तो पता नहीं कब करेंगे, हमने प्रयास किया कैसे बचत हो किसानों के लिए, 2,000 यूनिट अगर हमने माफ करी है, निःशुल्क किया है, बड़ा फैसला वो भी है, कर्जा माफ किया, आपको अध्यक्ष ने बताया सरकार बनती है 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, ये नहीं भूलना चाहिए। राष्ट्रगत बैंकों का कर्जा माफ करने के लिए हम तैयार हैं, किसानों के सामने आएंगे सरकार को, बैंकों को, उसके लिए 1 टाइम सेटलमेंट नहीं करवा रहे केंद्र सरकार, कई हम पत्र लिख चुके हैं केंद्र सरकार को, अरे बड़े बड़े पूंजीपतियों के कर्जे माफ होते हैं 1,000 करोड़ रुपए के, और ये 5 लाख 10 लाख 20 लाख का कर्जा माफ करते हैं, आपको तकलीफ हो रही है। तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और मैं आपको कहना चाहूँगा महंगे राहत शिविरों में भी जो साथ दिया पब्लिक ने,
अभी तक आज तक आंकड़े 1,29,00,000 से अधिक परिवार लाभान्वित हो चुके हैं और 5,90,00,000 से अधिक मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड मिले उन लोगों को। ये गारंटी है मुख्यमंत्री की, कोई समाप्त नहीं कर सकता इसको, ये गारंटी दी गई आप लोगों को। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मुझे खुशी है कि चेतन ड्यूटी ने आज हम सबको बुलाया और जो ये बहुत शानदार आगाज किया यहाँ पर मीटिंग का, उसके लिए मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से उसका आशीर्वाद भी देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि डीडवाना कुशामू जिला बनने के बाद में और आने का मौका मिलेगा और कोई कमी रखेंगे नहीं। कुछ मांगे रखी गई है उसको देखेंगे कैसे वो पूरी हो सकती है, उसका ही ध्यान रखेंगे। यही बात कहता था मैं आपको, इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने हर क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में जल जीवन मिशन चल रहा है, आधा पैसा हम दे रहे हैं, आधा पैसा सरकार दे रही है, भारत सरकार पर 10% हिस्सा जो गांव वालों का था वो भारत सरकार ने हमसे कहा कि आप वसूल करो गांव वालों से। मैंने फैसला किया है जल जीवन मिशन का 10% हिस्सा गांव वालों का स्टेट गवर्नमेंट देगी, गांव वालों नहीं लिया जाएगा, ये भी हमने घोषणा कर दी है। इस प्रकार से हमने जनहित के अंदर सारे फैसले किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हम सब मिलकर के आने वाले वक्त में जो काम आज हो रहा है, पानी के, बिजली के, शिक्षा में हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, राजस्थान हब बनने जा रहा है, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू सबसे अधिक नौकरियां यहाँ बच्चों को लगती है, ओपीएस का लाभ अगर सबसे अधिक मिलेगा राजस्थान भर में, इन 4 जिलों को मिलेगा, उन्हें जो राजस्थान आपका नागौर भी आता है, ओपीएस वाले ज़्यादा यहाँ पर है, बहुत खुश हो गए नौजवान लोग, उनका भविष्य सुनिश्चित हो गया है। 35 साल की नौकरी के बाद में क्या एक अधिकारी ये उम्मीद नहीं करे सरकार से कि बुढ़ापे के अंदर मेरी पेंशन फिक्स होगी? एनपीएस फिक्स नहीं है, शेयर मार्केट पर निर्भर करती, बता दीजिए आप, शेयर मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा किसी को नहीं मालूम है। इसलिए हमने कहा ओपीएस लागू होगी, पेंशन फिक्स होगी, उसको मालूम मेरी पेंशन कितनी मिलेगी, इस रूप में इन कामों को किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, आने वाले वक्त में चाहे पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और सोशल सिक्योरिटी, सड़कें आज 1,00,000 किलोमीटर सड़कें राजस्थान बन रही है, 56,000 किलोमीटर बन चुकी है और बाकी बनती जा रही है, काम चल रहा है, इससे अब हम क्या कर सकते हैं। नौकरी मैंने बताया आपको कितनी दे रहे हम लोग, जो संभव था उससे अधिक मैंने करने का प्रयास किया। इसलिए मैंने कहा MLA साहबान को कहा, मैंने तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, वो वादा मैंने निभाया है, वो वादा मैंने निभाया है। तो मुझे नहीं मालूम था कि आपके महेंद्र चौधरी और चेतन ड्यूटी जो है जिला मांग लेंगे, मैंने कहा पंचायत मांगेंगे, उप तहसील मांगेंगे, PSC मांगेंगे, कॉलेज मांगेंगे, जिला मांग लिया, तो मैंने जिला भी इनको दिया है, इससे बड़ा वादा मैं क्या निभा सकता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।